Hello everyone, welcome back to my channel Nursing is an ST. So today we are going to discuss about retroversion of the uterus. So जैसे इसका name sound कर रहा है, retro means होता है behind. Retro means होता है behind. अब देखिए retroversion of uterus, मतलब uterus का एक ऐसा version निकल कर आ रहा है यहाँ पर जिसमें uterus की जो position है वो कैसी हो गई है, uterus पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो गया है. ठीक है, तो इसे हम एक ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का एक डिसऑर्डर है. ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस. यूट्रस जो है वो डिस्प्लेस हो गया है. डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह पर, अपनी प्लेस पर ना रहकर वो या तो एंटीरियरली बेंड हो गया या पोस्टीरियरली बेंड हो गया. बट यहां पर रेट्रो की बात आई है तो जो यूट्रस है वो कहां हो गया है, पीछे की तरफ हो गया, मतलब बिहाइंड हो गया है. ठीक है, सो अब देखिए क्या होने वाला है. इट इज टर्निंग बैक ऑफ द यूट्रस. देखिए रेट्रो वर्जन ऑफ यूट्रस की कंडीशन को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूट्रस की नॉर्मल पोजिशन कैसे होती है, तभी आप ये जान पाएंगे कि रेट्रो वर्जन में क्या हो रहा है ना. सो दिस इज अ नॉर्मल पोजिशन ऑफ द यूट्रस. इस पोजिशन में जो यूट्रस है ये एंटीवर्टेड है. नोट डाउन कर लीजिएगा, यूट्रस की जो नॉर्मल पोजिशन होती है, यूट्रस कैसा होता है, एंटीवर्टेड होता है एंड एंटी फ्लैक्स्ड होता है. ये दोनों टर्म्स आप नोट डाउन कर लीजिए. यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजिशन में कैसा होता है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लैक्स्ड होता है. अब देखिए यूट्रस के एंटीरियरली आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में स्टडी किया होगा, जब यूट्रस का आपने स्ट्रक्चर स्टडी किया होगा, यूट्रस के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर एंड पोस्टीरियरली मतलब पीछे प्रेजेंट होता है रेक्टम. अब अगर रेक्टम लॉडेड है, ठीक है, रेक्टम जो है फुली लॉडेड है, तो भी यूट्रस की पोजिशन पे माइनर वेरिएशंस आएंगी यूट्रस की पोजिशन के अंदर. एंड अगर यूरिनरी ब्लैडर फुली लॉडेड है तब भी क्या होगा, एंटीरियरली अगर यूरिनरी ब्लैडर फुली लॉडेड है तब भी यूट्रस की पोजिशन में कुछ माइनर यू नो वेरिएशंस आएंगी, है ना. बट अगर वो वेरिएशंस परमानेंट हो जाए, ठीक है, अभी हम एक टेम्पररी वेरिएशन की बात कर रहे हैं कि यूट्रस की पोजिशन में कुछ ऐसी माइनर चेंजेस आए. वेरिएशन का मतलब है चेंजेस, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज. अगर यूट्रस की पोजिशन में माइनर चेंज आ रहे हैं, टेम्पररी चेंज आ रहे हैं फुली लॉडेड ब्लैडर से या फिर फुली लॉडेड रेक्टम की वजह से, तो ऐसे वेरिएशंस आना नॉर्मल है ना. बट अगर ये वेरिएशंस जो है ये परमानेंट हो जाए, अगर ब्लैडर लॉडेड था, रेक्टम लॉडेड था, इसकी वजह से भी हो सकता है यूट्रस की पोजिशन में कुछ चेंज आया एंड वो चेंज परमानेंट चेंज हो गया. अब यूट्रस की पोजिशन वही बन गई है ना, जो कि थ्रू फुली लॉडेड ब्लैडर से हुई थी. बट अगर ये पोजिशन परमानेंट बन जाए तो हो सकता है कि रेट्रोवर्टेड यूट्रस हो जाए. अब ये भी हम जानेंगे कि रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रो फ्लैग्स यूट्रस किस तरीके से होता है, उसकी पोजिशन कैसी होती है एंड बहुत से अदर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, अदर कॉजेज हैं, अदर आप बोल सकते हो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो इस कंडीशन को अराइज कर सकते हैं, वो भी हम फर्दर देखेंगे. तो अभी हम देख रहे हैं रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, है ना, रेट्रोवर्टेड यूट्रस किस तरीके से दिखाई देगा. तो देखिए इसमें क्या होता है, इट इज टर्निंग बैक. जैसे मैंने बताया रेट्रो का मतलब ही होता है बिहाइंड, तो टर्निंग बैक ऑफ द यूट्रस विद लॉन्ग एक्सिस ऑफ कॉर्पस. अब देखिए यहां कॉर्पस वर्ड आया है, इट मींस कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. ठीक है, कॉर्पस क्या यहां मतलब है बॉडी ऑफ द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस, है ना. अब बॉडी ऑफ द यूट्रस को हम बोल रहे हैं यहां पर कॉर्पस. अब आपको पता है यूट्रस की बॉडी, यूट्रस का फंडस कौन सा होता है, बॉडी कौन सी होती है, आप सब लोग जानते हो. सो ये वाली पोजिशन देखिए, ये है रेट्रोवर्टेड यूट्रस, रेट्रोवर्टेड. अब देखिए नॉर्मल पोजिशन में ये जो मैंने डॉट डॉट तरीके से ड्रॉ किया है ना, ये नॉर्मल यूट्रस की पोजिशन है. जैसे यहां थी, देखिए नॉर्मल पोजिशन है ये. अब यूट्रस जब क्या हो गया है, टर्निंग बैक, बैकवर्ड पोजिशन में आ गया, जिसे हम रेट्रो का मतलब बोल रहे हैं बिहाइंड, थोड़ा सा यूट्रस क्या हो गया, पीछे आ गया है ना. अब इस पोजिशन में देखो क्या हो रहा है, रेट्रोवर्टेड हम इसी पोजिशन को बोल रहे हैं कि जो यूट्रस है
वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ कॉर्पस इन इनके रिलेशन में प्रेजेंट है. अब लॉन्ग एक्सिस ऑफ कॉर्पस का मतलब है कि लॉन्ग एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस यूट्रस की बॉडी की इसी के रिलेशन में, यूट्रस क्या हो गया है, इसी के रिलेशन में बैक हो गया है. एंड सर्विक्स इन लाइन एंड होल ऑर्गन टर्न्स. सर्विक्स इन लाइन मतलब सर्विक्स देखो यहीं पर ही प्रेजेंट है, यहां पर सर्विक्स प्रेजेंट है, सर्विक्स इन लाइन है ना. एंड द होल ऑर्गन टर्न्स मीन्स होल ऑर्गन टिल्ट बैकवर्ड, पीछे की पोजिशन में थोड़ा सा टिल्ट हो गया है. ओके अब देखिए, आई होप आपको एक पोजिशन समझ में आ गई होगी रेट्रोवर्टेड यूट्रस की. इसमें क्या होता है, जो कॉर्पस है, ठीक है, कॉर्पस ऑफ द यूट्रस है, इसके रिलेशन में ही यूट्रस हो गया है बैकवर्ड. एंड सर्विक्स इन लाइन, जैसे मैंने बताया यहां पर सर्विक्स प्रेजेंट है, सर्विक्स इन लाइन एंड होल ऑर्गन टर्न्स. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इन रिलेशन टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बर्थ कैनाल. होल ऑर्गन टर्न्स मतलब टिल्ट बैकवर्ड इन रिलेशन टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बर्थ कैनाल. अब बर्थ कैनाल हम बोल रहे हैं वेजाइना को, बर्थ कैनाल हम बोल रहे हैं वेजाइना को. तो ये बर्थ कैनाल है, ठीक है, बर्थ कैनाल वेजाइना, वेजाइनल वॉल्ट है. इसके ऊपर आपको पता है सर्विक्स प्रेजेंट रहती है, तो वेजाइनल वॉल्ट के भी रिलेशन में ये इसकी लॉन्ग एक्सिस है, इसके रिलेशन में ही ये हो रहा है टिल्ट बैकवर्ड. इसी के रिलेशन में है ना, सर्विक्स भी है एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ बर्थ कैनाल भी है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ कॉर्पस भी है ना. सो इसी इन तीनों के रिलेशन में ये जो यूट्रस है ये टिल्ट बैकवर्ड हो गया है, रेट्रोवर्टेड यूट्रस हो गया. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एंड रेट्रोफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस हम किसे बोल रहे हैं. अब देखिए नॉर्मल यूट्रस की पोजिशन मैंने यहां पर भी ड्रॉ की हुई है, ये वाली पोजिशन. अब ये है रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस, रेट्रोफ्लेक्स्ड. आगे हम ये भी स्टडी करेंगे कि 3 degrees होती हैं रेट्रोवर्जन की, वो कौन सी होती है. सो ये देखिए रेट्रोफ्लेक्शन, इट इज बेंडिंग बैकवर्ड ऑफ द कॉर्पस. कॉर्पस का मतलब है बॉडी ऑफ द यूट्रस. अब बॉडी ऑफ द यूट्रस इसमें देखो क्या था, बॉडी ऑफ द यूट्रस स्ट्रेट है. अब इसमें जो यूट्रस की बॉडी है, जो कॉर्पस है, वो बेंड हो गया, थोड़ा सा बेंड होते हुए नजर आ रहा है ना यहाँ पर. सो इट इज अ बेंडिंग बैकवर्ड ऑफ द कॉर्पस ऑन द सर्विक्स. सर्विक्स यहाँ प्रेजेंट है ना, एट द लेवल ऑफ इंटरनल ओस. इंटरनल ओस हम किसे बोल रहे हैं, देखो सर्विक्स से ही रिलेटेड है दो टर्म्स, इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस. अब जब सर्विक्स की ओपनिंग यूट्रस में हो जाती है, सर्विक्स है ठीक है, अगर इसकी ओपनिंग यूट्रस में हो रही है तब हम इसे बोल रहे हैं इंटरनल ओस. एंड अगर सर्विक्स की ओपनिंग हो रही है वेजाइनल वॉल्ट में तो उस पोर्शन को, उस एरिया को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, ठीक है. तो इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, इंटरनल ओस के लेवल पर क्या है, यूट्रस जो है वो रेट्रोफ्लेक्स्ड हो गया है. तो आई होप आपको ये पोजीशंस बहुत क्लियर हो गई होंगी, ठीक है. सो अब हम देख रहे हैं रेट्रोवर्जन की डिग्रीज क्या है. सो अब हम देख रहे हैं रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस की कुछ डिग्रीज, या फिर डिग्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि यूट्रस यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया है, अपनी प्लेस से हट गया है, ठीक है. सो अब हम देख रहे हैं डिग्रीज ऑफ रेट्रोवर्जन या फिर डिग्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो यूट्रस है अपनी प्लेस से हट गया है, ओके, रेट्रोवर्टेड हो गया है या रेट्रोफ्लेक्स्ड हो गया है. अब ऐसा तो नहीं है वो डायरेक्टली रेट्रोवर्टेड हो गया या रेट्रोफ्लेक्स्ड हो गया, उसकी कुछ डिग्रीज रही होंगी, एकदम से तो वो रेट्रोफ्लेक्स्ड नहीं हो गया है, धीरे धीरे ही हुआ होगा अपनी पोजिशन से ही, फर्स्ट पोजिशन से लेकर के इस पोजिशन तक आना, तो एकदम से नहीं आया, कुछ डिग्रीज बनी होंगी, मतलब कुछ लेवल्स होंगे उसके डिस्प्लेस होने के, तभी तो वो आया, रेट्रोफ्लेक्स्ड हो गया है ना. सो वही डिग्रीज अब हम स्टडी कर रहे हैं. सो इसमें 3 degrees है टोटल, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. सो फर्स्ट डिग्री ऑफ रेट्रोवर्जन में देखो क्या होगा, ये जो पोजिशन है ये बिल्कुल नॉर्मल पोजिशन है, यूट्रस की नॉर्मल पोजिशन है. इसमें यूट्रस एंटीवर्टेड है, एंटीफ्लेक्स्ड है, ओके. फर्स्ट डिग्री ऑफ रेट्रोवर्जन हम देख रहे हैं, द फंडस इज वर्टिकल. ये यूट्रस का फंडस है, ये यूट्रस की बॉडी है. इसमें जो फंडस है फर्स्ट डिग्री में, ये कैसा है, वर्टिकल है, ठीक है. वर्टिकल मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट है, ये वर्टिकल पोजीशन है, ये हॉरिजॉन्टल है. ये दोनों लाइंस आपने ड्रॉ करी होंगी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल.
तो इसमें जो फंडस है वो वर्टिकल नजर आ रहा है ना फर्स्ट डिग्री ऑफ रेट्रोवर्जन में एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सैक्रल प्रोमंट्री। अब सैक्रल प्रोमंट्री कहाँ है? देखो आपने पेल्विस का टॉपिक स्टडी किया होगा, नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। सो उसमें आपने ट्रू पेल्विस फॉल्स पेल्विस स्टडी की होगी। ट्रू पेल्विस जिसे हम इनलेट बोलते हैं, ट्रू पेल्विस जिसे हम इनलेट बोलते हैं एंड फॉल्स जिसे हम आउटलेट बोल रहे हैं। अब इनलेट में प्रेजेंट होती है सैक्रल प्रोमंट्री। देखिए अगर हम पेल्विस के टॉपिक में आपने ये भी स्टडी किया होगा, अगर एंटीरियो पोस्टीरियर कॉन्जुगेट को हम मेजर करते हैं तो सैक्रल प्रोमंट्री से लेकर जो भी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पेल्विस होता है वहां तक करते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर कॉन्जुगेट को हम मेजर करते हैं इस तरीके से इनलेट में। तो ये देखिए यहां पर प्रेजेंट होती है सैक्रल प्रोमंट्री, ठीक है, ये सैक्रल प्रोमंट्री है। अब देखिए अगर हम इसकी साइड पोजीशन देखें, ठीक है, ये हम इसे बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हैं, साइड पोजीशन अगर हम इसकी लेंगे तो मिड में प्रेजेंट है ना हमारी सैक्रल प्रोमंट्री। तो ये जो वर्टिकल फंडस है ये पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब ये फेसिंग इसकी किस तरफ है, सैक्रल प्रोमंट्री की तरफ है ना। तो जैसे है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सैक्रल प्रोमंट्री, इसकी जो फेसिंग है वो कहां रहेगी, फंडस ऑफ द यूट्रस की फर्स्ट डिग्री ऑफ रेट्रोवर्जन में टुवर्ड्स द सैक्रल प्रोमंट्री, जैसे मैंने बताया, क्योंकि यहां पर पेल्विक ब्रिम प्रेजेंट है एंड यहां पर पेल्विक ब्रिम जो है उसके अंदर ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक ऑर्गन्स जैसे यूट्रस है, ऑवरीज है, फ्लोपियन ट्यूब्स है। तो ये जो इसका जो फेस है वो कहाँ है, फेसिंग टुवर्ड्स सैक्रल प्रोमंट्री, सेकेंड डिग्री देख रहे हैं। द फंडस लाइज इन सैक्रल होलो। अब देखिए सैक्रल होलो कहाँ प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको बताया सैक्रल प्रोमंट्री कहाँ है, बट नॉट बिलो द इंटरनल ओस, ठीक है। अभी इंटरनल ओस मतलब कि जो सर्विक्स की ओपनिंग यूट्रस में हो रही है उस लेवल तक ये जो रेट्रोवर्जन हो रहा है यूट्रस का वो नहीं हुआ है, जैसे आप सेकेंड डिग्री में देख रहे हो। अब इंटरनल ओस मतलब सर्विक्स के लेवल तक हो जाएगा ये जो फंडस है यूट्रस का रेट्रोवर्जन, इसका रेट्रोफ्लैक्स हो जाएगा, उसे हम थर्ड डिग्री बोलेंगे। फंडस लाइज बिलो द लेवल ऑफ इंटरनल ओस। सो अब हम देख रहे हैं कॉजेज ऑफ रेट्रोवर्जन या फिर रेट्रोफ्लैक्स ऑफ द यूट्रस, रेट्रोफ्लैक्शन ऑफ द यूट्रस। सो फर्स्ट है डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, मीन्स ऐसे कुछ कंजनाइटल डिफेक्ट्स प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से यूट्रस जो है वो रेट्रोफ्लैक्स्ड रेट्रोवर्टेड है। प्यूरपिरल डिफेक्ट्स प्यूरपिरियम रिलेटेड है, देखिए प्यूरपिरियम जो एक वर्ड है ये रिलेटेड है पोस्टनेटल पीरियड से, है ना, आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो भी टाइम पीरियड होता है उसे हम प्यूरपिरियम बोलते हैं। अब चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस में ऐसा हुआ कि कुछ जो लिगामेंट्स प्रेजेंट थे वो क्या हो गए हैं, स्ट्रेच हो गए हैं, यहां पर हो गया है स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स, जिसकी वजह से क्या हुआ यूट्रस डिस्प्लेस हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक मेजर कॉज हो सकता है यूट्रस की डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट है ट्यूमर या फिर अगर फिब्रॉइड्स प्रेजेंट है, ट्यूमर प्रेजेंट है या फिब्रॉइड्स प्रेजेंट है जिनकी हैवीनेस की वजह से क्या हुआ, बहुत ही लार्ज साइज के ट्यूमर फिब्रॉइड्स हैं जिनकी हैवीनेस की वजह से क्या हुआ, यूट्रस डिस्प्लेस हो गया। अब देख रहे हैं अगर डिस्प्लेसमेंट हो गई है तो उसके कुछ साइन सिम्टम्स होंगे वो हम देख रहे हैं। तो द वेरी फर्स्ट सिम्टम इज पेल्विक पेन, बिकॉज यूट्रस जो है वो डिस्प्लेस्ड है। सो प्री मेंस्ट्रुअल पेल्विक पेन यहाँ प्रेजेंट रहेगा, जिस पैरियूनिया का मतलब है आफ्टर ईच इंटरकोर्स, बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स पेल्विक पेन पेशेंट को रहेगा, बिकॉज यहाँ पर यूट्रस रेट्रोवर्टेड है एंड लिगामेंट्स पे भी बहुत प्रेशर पड़ रहा है एंड ओवरीज जो है वो भी यहाँ पर प्रोलैप्स्ड है, बिकॉज यूट्रस रेट्रोवर्टेड है यूट्रस के साथ फंडस के, यूट्रस का जो फंडस होता है मतलब जहां पर फ्लोपियन ट्यूब्स कनेक्टेड होती है उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे हम फंडस बोलते हैं, यूट्रस के जो नीचे का पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो जो ओवरीज है फ्लोपियन ट्यूब्स कनेक्टेड है यूट्रस के साथ, अगर यूट्रस डिस्प्लेस्ड होगा तो ओवरीज क्या हो जाएंगी, प्रोलैप्स्ड हो जाएंगी। दैट्स व्हाई दिस पेरियूनिया प्रेजेंट रहेगा, इसमें क्या रहेगा आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर
इंटरकोर्स पैल्विक पेन पेशेंट को रहेगा। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी, ये भी सेम है बिकॉज यूट्रस जो है वो रेट्रोवर्टेड है, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर रहने वाली है। अब हम देखते हैं इस कंडीशन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन हम कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज, जिससे पेल्विक टोन जो है वो अच्छी रहती है, थ्रू एक्सरसाइज एंड ब्लैडर को है हमें एम्प्टी करना रेगुलरली, एम्प्टी द ब्लैडर द यूरिनरी ब्लैडर रेगुलरली, ठीक है। सो ये है प्रिवेंशन के कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं किस तरीके से कंडीशन को अराइज होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज हम स्टडी किया रेट्रो वर्जन ऑफ यूट्रस, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज नर्सिंग इज एनएसटी।